बज्जू भी है, हरभजन सिंह है स्टूडियो में, मदन लाल जी भी हैं, सनी भाई भी हैं। नमस्ते गवाक्षर साहब, बड़े बड़े लोग बैठे हैं और आप तब से बड़े हैं और आप तो बराबर में तो बैठी हुई उन तो भी मेरा सलाम। पिताजी आपको सलाम भेजा है। सलाम, आपने आप इंडिया को मेहनत से जीतने की बात कर दी हो, मेहनत तो बड़े बहुत करती है इंडियन टीम। देखो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी भी जीते, लेकिन उन तो अभी क्रिकेट खेलनी है, बहुत खेलनी है। अभी पाकिस्तान तो चाहिए, न्यूजीलैंड तो हरा दें, इंडिया तो भूल जाए। मुझे तो लगता है कि आपकी ये वाली दुआ ना वो बॉल आउट वाले वर्ल्ड कप में जरूर काम आई होगी कि दोनों टीमें एक जगह पर आकर रुक गई थी। मैं क्या बोलता हूँ, लड़ना नहीं है। मैं पाकिस्तानी बड़े बड़े खिलाड़ी तो सोए बैठे, उन लोग तो गलत बयानी से बात करते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत नरमी से बात करो, इंडिया से मोहब्बत करो और क्रिकेट खेलो। लड़ना है तो क्रिकेट में खेलो, ये जबानी टीवी में नहीं लड़ो, अच्छी जबान रखो। नहीं आप, आप एमएस धोनी की बात कर रहे थे, धोनी के अलावा विराट कोहली रोहित शर्मा, ये दो बड़े खिलाड़ी रहेंगे, तजुर्बे वाले खिलाड़ी हैं। और चाचा बशीर, चूंकि पाकिस्तान से आवाज बड़ी आती है कि 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल याद करो, मुझे लगता है कि भारत भूला नहीं उस फाइनल को, भारत चूंकि भूला नहीं उस फाइनल को, उस फाइनल की हार को, शायद इसीलिए वो गलती आज टीम इंडिया नहीं करेगी। इंडियन टीम बहुत मजबूत है भाई, रोहित शर्मा है, कोहली है, बड़े बड़े खिलाड़ी है। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, वो कौन है, ओपनर, वो एक अकेला क्या करेगा चपते सान। लो पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत, इंडियन टीम बहुत मजबूत है। और जिस देश में गंदा बहती है उस देश की मेरी बीवी है, कोई भी जीते आई एम हैप्पी, पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते। मैं बोलता हूँ क्रिकेट होनी चाहिए और क्रिकेट बस इंजॉय करो क्रिकेट, और क्रिकेट इंडिया या पाकिस्तान में होनी चाहिए, दुबई में नहीं होनी चाहिए। चलो चाचा आज इंडिया की विक्ट्री को एंजॉय करो, आप आराम से बैठ के देखो और एंजॉय करो इंडिया की विक्ट्री को। अब स्टेडियम के लिए निकले चाचा बशीर, मैं चाहता हूँ मेरी दुआएं इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए, दो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा इंशाल्लाह, दो अच्छा खेलेगा जीतेगा। और हमारी मोहब्बतें आपके लिए, और धोनी जिंदाबाद, धोनी आई लव यू, धोनी आई लव यू फ्रॉम माई हार्ट।